हेलो मैम स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इन बिटवीन क्वेश्चंस। हर चैप्टर में आपको बताएं बिटवीन वर्ड्स एक्सरसाइज होती है। सो सबसे पहले पेज 100, आल्सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि बुक्स कभी-कभी इधर-उधर हो जाते हैं, पेजेस से न्यू एडिशन आया तो पेज नंबर शिफ्ट हो जाता है। तो बस ये समझ लो चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है उसमें जो फर्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो है, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ के जाएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 दैट सेज एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो वो कह रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ये पता है कि मूव कर रहा है अपनी जगह से, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है। अच्छा, थ्रू अ डिस्टेंस, हां हमसे पूछा है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हमने देखा था अगर कोई चीज यहां से लेट्स सपोज उसका इनिशियल पोजीशन ये है एंड देन कहीं भी घूम घुमा के वापस इसी पोजीशन पे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन और आपकी इनिशियल पोजीशन सेम है, ठीक है? तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का सा भी मूव हुआ है तो उसका डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होता। आप एक से भी मूव करके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ही है। चलो पढ़ लेते हैं। यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, दिस हैपेंस व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन। कोइंसाइड का मतलब यही है कि फाइनल पोजीशन और आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो एक ही पॉइंट पे है, ठीक है जी? वेट द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। अब एक स्क्वायर फील्ड है, यहां पे समझते चलते हैं, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टेंगल सा लग रहा है, बस इसको स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है? चलो एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड दी हुई है 10 मीटर, 10 मीटर साइड है तो भैया सारी साइड ही 10 मीटर होंगी, ठीक है? सो दिस इज 10, दिस इज आल्सो 10, दिस इज आल्सो 10 एंड दिस इज आल्सो 10, ठीक है? ये स्क्वायर फील्ड है, अब वो यहां पे मूव कर रहा है, लेट्स सपोज इस पॉइंट से कहीं से स्टार्ट किया एंड उसकी बाउंड्रीज में यहां पे इस तरीके से मूव करता जा रहा है, ठीक है? ये चीज क्लियर है, छोटी सी चीज है। अब इस ये मूवमेंट में उसको जो टाइम लगा दैट इज 40 सेकंड्स, मतलब एक राउंड पूरा लगाने में उसको लगते हैं 40 सेकंड, मतलब यहां से अगर वो स्टार्ट करता है और ऐसे घूम के वापस इसी पॉइंट पे आता तो भैया 40 सेकंड्स में वो एक राउंड लगा रहा है, तो ये ध्यान रखना ये वन राउंड का है, ठीक है? अब उनसे पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब जहां से उसने स्टार्ट किया, लेट्स सपोज ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, बाकी पॉइंट को नाम देते हैं बी सी डी। अब वो बोल रहे हैं 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद जहां पे भी फार्मर की पोजीशन होगी वहां से हमें निकालना है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो चलो समझते हैं पहले तो क्या टाइम दिया है, 2 मिनट 20 सेकंड्स, करेक्ट? 2 मिनट 20 सेकंड्स। पहले कर लेते हैं इस पूरे को सेकंड्स में कन्वर्ट, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना भैया उससे उसकी पोजीशन तो हम तभी निकाल पाएंगे, हमें पता चले उसने कितने राउंड्स लगाए हैं और अब कहां तक पहुंचा है वो, तो इसको हम करें सेकंड्स में कन्वर्ट। तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, करेक्ट? सो 2 मिनट्स विल बी 60 into 2, मतलब 120 सेकंड्स, राइट? सो 2 मिनट्स में 120 सेकंड होते हो प्लस 20 सेकंड्स, मतलब टोटल उसको लगे हैं 140 सेकंड्स। दोबारा समझ लो, हमें दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स बताया है, 2 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, 120 सेकंड्स और साथ में 20 सेकंड्स और, तो टोटल 140 सेकंड्स लगे। तो अब हमें देखना है 140 सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन कहाँ होगी। सो देखो जरा, ये हो गया 140 सेकंड्स, यहां लिख लिया मैंने, और हर एक राउंड लगा है 40 सेकंड्स का, मतलब 40 सेकंड्स में पहला राउंड हुआ, देन अगेन एक और 40 सेकंड्स लगे, दूसरा राउंड हुआ, एक और 40 सेकंड्स लगे, तीसरा राउंड हुआ, कितना हो गया टाइम 40 प्लस 40 80 80 प्लस 40 120, सिर्फ बचे 20 सेकंड्स, ठीक है? तो भैया 3 राउंड्स, और अगर 40 सेकंड में फुल राउंड लग रहा है तो 20 सेकंड में कितना लगेगा, हाफ, तो मतलब 3 राउंड्स और प्लस 20 सेकंड्स में हाफ राउंड। इसको दोबारा से एक बार समझ लो, देखो उसको टोटल 140 सेकंड्स लगे थे, 40 40 40 20, इसमें मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 40 सेकंड का एक राउंड कंप्लीट हो गया, अगले 40 सेकंड में दूसरा राउंड, अगले 40 सेकंड में तीसरा राउंड। अब यहां 120 तो इतना ही होगा, तो 20 सेकंड्स ही तो बचे, तो 20 सेकंड्स में जब 40 सेकंड्स में पूरा आप राउंड लगा रहे हो तो 20 में ऑफ कोर्स हाफ लगाओगे, सो हाफ राउंड। अब देखो जरा, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बिगिन हुआ, घूम के ए पॉइंट पे आ गया, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर से यहां से यहां वापस आ गया, 2 राउंड कंप्लीट हुए, फिर यहां से 3 राउंड कंप्लीट हुए। अब जो 3 राउंड के बाद आधा राउंड है वो कैसे हुआ होगा, यहां गया यहां गया, बस हाफ तो यही हो रहा है ना हमारा, मतलब इस सी पॉइंट पे, दैट मीन्स After how much time? 2 minutes and 20 seconds वो C point पे थे। तो अब हमें अगर displacement निकालना है, तो displacement क्या देखो, अगर distance निकाल लो तो simple है भैया, पहले तो 3 rounds का निकाल दो और फिर साथ में ये दो 10 plus 10 20, ये भी साथ में ले लो, लेकिन हमें निकालना है displacement। displacement होता है shortest distance, पहले तो ये हटा लेते हैं, ये भी सारा रब कर देते हैं, चलो हाँ कमिंग बैक हियर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें देखना है तो ए पॉइंट से सी पॉइंट, तो मतलब हमें
ये एसी निकालना है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब एसी कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर है यहाँ पे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल से, लेट्स डू इट। सो जी इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी, ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है ना, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना सबको, ए बी और बी सी इसकी साइड्स हैं, तो इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस, इसके स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो वापस चलते हैं यहाँ पे, कहाँ थे हम, हाँ जी। सो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए सी स्क्वायर, ए सी तो हमें निकालना ही है, देन ए बी 10 गिवन है, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी सी 10, दोनों 10 क्यों है, क्योंकि हमें बताया ना स्क्वायर की साइड 10 है। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 विच इज गोइंग टू बी 200। सो ए सी हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 200, बिकॉज ए सी स्क्वायर है, जाके अंडर रूट हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज, आप 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 10, राइट, 10 इंटू 10 इज 100, 10 इंटू 2 इज 200, अभी 10 तो हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, अंदर रह गया 2, सो एसी हमारा हो गया 10 रूट 2, ठीक है। तो मतलब जो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी थी वो 10 रूट 2 है। आई नो पहला क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा हाई इन बिटवीन क्वेश्चन तो बड़े मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, ये भी ईजी था, बस थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझने वाला था। वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स अगर कंफ्यूजन है, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता कमेंट्स में मेंशन करना, फिर से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ट्राई करूंगी और अच्छे से समझाने का, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, अगर मैं कह रही हूँ सिंपल मतलब सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से कौन सी चीज सही है, पहला है इट कैन नॉट बी जीरो। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख के आए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों, अगर फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन एक ही जगह पे है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रू जीरो हो सकता है, तो मतलब ये तो ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज, सॉरी इट कैन नॉट बी जीरो बोला तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या फॉल्स, कुछ भी लिख लेना, मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है, गलत है ये स्टेटमेंट, जीरो हो सकता है। चलो बी पार्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन दी, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है ये याद है ना, अगर नोट्स पढ़ के आए हो, मैग्नीट्यूड इज सिंपली द नंबर, अगर जैसे 10 मीटर्स है कुछ तो 10 इज दी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी ऑब्जेक्ट, ये गलत है स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ सेम हो सकता है, सपोज वो एक ही पोजीशन पे इस पॉइंट से ए पॉइंट से कोई चीज ट्रेवल कर रही है, बी पॉइंट तक गई, बी से सी तक, और ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती रही, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इतना उससे ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। लेकिन अगर लेट सपोज कोई चीज हाँ घूम घाम के जा रही है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, सो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल, क्लियर है ये चीज। सो अभी पेज नंबर 100 में 3 ही क्वेश्चंस थे हमारे, अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर इसमें क्वेश्चंस होंगे, आई होप दिस आर क्लियर, आई नो न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी था बट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय।